कि जितने भी ये प्राइम लेंस होते हैं, जिसको हम प्राइम लेंस बोलते हैं, जैसे मैंने बताया कि ये अभी 50 mm का है, जो वाइड एंगल होते हैं उसमें भी अगर फिक्स 18 mm है, फिक्स 24 mm है, फिक्स 20 mm है, तो वो भी प्राइम लेंस कहलाते हैं। और उसमें भी आपको डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत अच्छी मिलेगी, उसमें भी चाहो तो सिर्फ दो लोगों को फोकस करो, जबकि आपके जो नॉर्मल 18 mm का जो जूम लेंस है, जब 18 mm का जूम लेंस से जब आप फोटो खींचोगे तो उसमें सब कुछ फोकस में रहेगा, और जैसे जैसे फोकल लेंथ छोटी होती जाती है ना, वैसे वैसे और चीज़ें फोकस में आती जाती हैं, मतलब आपको सब कुछ दिखेगा, कमरे के अंदर जो कुछ भी है सब फ्रेम में आएगा तो आपका। लेकिन अगर वो फिक्स फोकस लेंथ है, अगर 18 mm का भी लेंस है, 20 mm का लेंस है, तो उसमें भी आप जब बड़ा डायफ्राम लगाओगे तो चीज़ें जो आप फोकस कर रहे हैं वो तो फोकस में रहेंगी, दूर की चीज़ें जो है आउट ऑफ फोकस रहेंगी। अब इसमें जो आपका लेंस होता है उसमें एक ख़ास चीज़ रहती है, जितने भी प्राइम लेंस रहते हैं उसके सामने अगर आप देखोगे तो ऐसा एक डायल रहता है जिसमें कि फीट और मीटर लिखा रहता है, और नीचे डायफ्राम लिखा रहता है, सेंटर पॉइंट रहता है, सेंटर पॉइंट के दोनों तरफ डायफ्राम बने रहते हैं, मतलब एक डॉट बीच में रहेगा, दोनों तरफ आपके 2.8 लिखा रहेगा, उसकी दूसरी तरफ भी 2.8 लगाएगा, उसके बाद एक तरफ 3.5 लिखा रहेगा, दूसरी तरफ 3.5 लिखा रहेगा। अगर जगह नहीं रहेगी उसमें लिखी होने की तो सिर्फ लाइंस बनी रहती हैं, जैसे कि इस वाले लेंस में खाली लाइन बनी हुई है, तो वो ये शो करती हैं कि सबसे पहला वाला डायफ्राम आपके लेंस का 1.8 है, तो पहला पॉइंट जो बता रहा है वो 1.8 को इंडिकेट कर रहा है, बीच वाले पॉइंट के दूसरी तरफ जो पॉइंट इंडिकेट कर रहा है वो भी 1.8 बता रहा है। इसी तरह से मेन जो सेंटर लाइन है उसके बगल में जितने भी डायफ्राम्स हैं वो अलग 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 इंडिकेट कर रहे हैं। अब उसके सामने आप ये फोकस की जो डायल है वो फिक्स कर देते हो, मान लो आपने अपने कैमरे में 3.5 लगाया हुआ है डायफ्राम, तो 3.5 के सामने आप कोई सा भी एक डिस्टेंस लगा दो, तो इधर वाले 3.5 के सामने जो डिस्टेंस है प्लस इधर वाले 3.5 के सामने जो डिस्टेंस है, सिर्फ वही चीज़ फोकस में रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। ये चीज़ समझ में आई? आपको लेंस को देख के ही समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या क्या फोकस में आएगा, क्या क्या फोकस में नहीं आएगा। उसी तरीके से जैसे ही आप इसमें 11 डायफ्राम लगा दोगे तो 11 डायफ्राम इस तरफ, जो 11 डायफ्राम के सामने डिस्टेंस बता रहा है वो, और 11 डायफ्राम के तरफ इस तरफ जो डिस्टेंस बता रहा है, उन दोनों के बीच की सारी चीज़ें आपकी फोकस में रहेंगी, बाकी सारी चीज़ें आपकी आउट ऑफ फोकस हो जाएंगी। इसका उल्टा बताता हूँ कि कभी कभी आपको जल्दी में रहते हो, आप फोकस नहीं कर पाते हो और आपको दूर तक की कोई चीज़ खींचनी है, तो बहुत ज़्यादा शार्प फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आपने 16-11 जो भी डायफ्राम लगा दिया है वो डायफ्राम लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा 3 फीट से लेके 22 फीट तक की चीज़ें सारी की सारी फोकस में, या जो भी दोनों सोलर के सामने जो डिस्टेंस लिखे हुए हैं। तो उसका एक तरीका तो ये होता है कि इधर वाला एक्सट्रीम आखिरी वाला जो है उसको आप 16, 22, 11 जिसमें लगाना लगा उसमें इन्फिनिटी को लगा दो, हर डायल के ऊपर एक इन्फिनिटी मार्क होता है, इन्फिनिटी मतलब बिल्कुल दूर तक की चीज़, जिसको कि इन्फाइनाइट सन जिसको बोलते हैं ना, सन इन्फाइनाइट है, या आपका 20, 25, 30 फीट से ज़्यादा जो दूर की चीज़ें होती हैं उसको इन्फिनिटी ही बोलते हैं एक तरह से। तो जैसे ही आपने इन्फिनिटी को 11 के सामने लगा दिया तो इधर वाली इन्फिनिटी जो है 11 के सामने है, और इधर वाली 11 के सामने जो भी डिस्टेंस है उसके अंदर की सारी चीज़ें फोकस में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से इधर वाली के सामने 16 के सामने आपने इन्फिनिटी लगा दिया, इधर वाला जो 16 डायफ्राम है उसके सामने जो भी डिस्टेंस है वो आपका फोकस में रहेगा। तो ये आपके जितने भी प्राइम लेंस होते हैं वो सब में मार्क रहता है, आपका जो जूम लेंस रहता है उसमें इसलिए मार्क नहीं रहता क्योंकि उसमें बदलती रहती हैं चीज़ें। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, आप देखना जितने भी प्राइम लेंस होते हैं, फिक्स फोकस लेंस रहते हैं, वो एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस पर जाने के लिए देखो पूरा ये घुमाना पड़ता है, मतलब आप सोचो आपका 2 फीट से लेके इन्फिनिटी तक जाने के लिए ऑलमोस्ट मेरे को एक सर्कल घूमता है पूरा ये लेंस। इसका मतलब एक लिस्ट काउंट नाम की चीज़ होती है ना, जो वर्नियर वगैरह में होती है, जिससे मतलब छोटी से छोटी चीज़ें, छोटा से छोटा डिस्टेंस जो है फोकस किया जा सकता है, कम गैप का। वेयर एज आपके जो जूम लेंस होते हैं उसमें जब आप फोकस करते हो तो ये आपका जो लेंस है, ये आपका जो है 18-55 का लेंस है, जूम लेंस है, इसको जब आप फोकस करते हो तो ज़रा सा डिस्टेंस में बस ये मुश्किल से
मेरा हाथ देख रहे हो आप कितनी दूर घूमा, मुश्किल से 1 इंच टर्न लिया इसने, या पूरे सर्किल का 1/10 टर्न लिया और पूरा का पूरा फोकस हो गया। मतलब इसका जो लीस्ट काउंट है वो बहुत कम है, इससे दो डिस्टेंस के बीच की जो फोकस की जो गैप है वो बहुत कम है, जिसका मतलब आपको इसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी, क्योंकि हर बहुत सारी चीज़ें फोकस में एक साथ रहेंगी। आप चाहो खाली पिन पॉइंटेड फोकस में करूँ जैसा कि मैं प्राइम लेंस में कर सकता हूँ, वो इसमें पॉसिबल नहीं है। वेरस प्राइम लेंस जो होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा आपका ये है अवेलेबिलिटी है, उसमें आप आराम से चीज़ कर सकते हो। आप दुनिया को कोई भी प्राइम लेंस उठा के देखोगे, उसका डायल आपको 2 फीट, फिर 4 फीट, 8 फीट, 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, ऐसे बीच में बहुत सारा गैप मिलेगा, तो उस पर्टिकुलर जोन को आप उस पर ले सकते हो। ये क्लियर हो गया?